हमारी रसोई एक ऐसा स्थान जहां हर गृहिणी जागृत अवस्था में सबसे ज्यादा समय बिताती है और अपनी रसोई से और उसकी हर वस्तु से हर गृहिणी को विशेष लगाव होता है। उन्हीं में से एक वस्तु है हमारा तवा चिमटा, जिसके बिना रोटी बनना संभव ही नहीं। आइए आज जाने कैसे हमारा तवा चिमटा हमारे जीवन में शुभ परिणाम दे सकता है और किन कार्यों से हमारे जीवन में ये तवा चिमटा परेशानियां खड़ी कर सकता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं शकुंतला मलिक आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबका शकुन एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है और नई वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। दोस्तों, हमारे तवे का संबंध हमारे ग्रह में शनि से है और शनि ही हमारे न्याय के देवता हैं। हमारे शनि का हमारे जीवन में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अब हम ऐसा क्या करें और क्या ना करें कि शनि के अच्छे फल हमें जीवन में मिल सके, रसोई में बरकत हमें मिल सके, हमारे तवे पर सिकी रोटी से ऊर्जा हमें मिल सके। सबसे पहले तो हमें अपने तवे को साफ और चमकदार रखना होगा। तवा ऐसा ना हो कि उस पर लोहे की पपड़िया सी नजर आती हो, या फिर तवे का हैंडल ना टूटा हो। यानी हमें अपना तवा खरीदते वक्त कंजूसी नहीं करनी, हमें अच्छे लोहे का तवा लेना है जिसमें पपड़िया ना बनती हो। नहीं तो उस घर के पुरुषों को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक और काम, हमें अपने तवे को साफ करने के लिए कभी भी चाकू या चिमटे से नहीं खुरचना चाहिए, नहीं तो यहाँ राहु एक्टिव हो जाता है। बल्कि हमें अपने तवे को साफ करने के लिए ईंट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ईंट शनि की वस्तु है, मंगल से संबंध रखती है। अब हफ्ते में कम से कम एक दिन यानी शनिवार को तवे को ईंट से रगड़ रगड़ कर साफ करें। चमकदार तवा हमारे जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव देता है। तवे पर जब रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय की और लास्ट रोटी कुत्ते की जरूर बनाएं। और रोटी बनाकर लास्ट में तवे को चूल्हे से उतारने से पहले गैस को बंद कर ले, तब तवा उतारे, नहीं तो ये मंगल और शनि के नेगेटिव होने का कारण बनता है। इससे मंगल शनि में शत्रुता बढ़ती है। और एक और काम कि गर्म तवे को कभी भी पानी के संपर्क में ना आने दें, यानी ठंडा होने पर ही उसे साफ करें। जब हम गर्म तवे पर पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा कि पानी वाष्प हो जाता है, यानी चंद्रमा जलता है। यहाँ तवा शनि है और चंद्रमा पानी। इस तरह गर्म तवे पर पानी डालने से शनि और चंद्र का मेल हो जाता है, विष योग बनता है और चंद्र वाष्प बनता है, चंद्र पीड़ित होता है। ऐसे घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, वहां रहने वालों की बुद्धि हमेशा भ्रमित रहती है, निर्णय लेने की क्षमता ऐसे लोगों में कम पाई गई है। और धन की बरकत पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा हमारी लिक्विड मनी है। ऐसे घरों में पैसे बेकार के खर्चों में खर्च होते हैं। हमें अपने तवे को ना तो झूठे बर्तनों के साथ रखना चाहिए, ना ही झूठे हाथों से छूना चाहिए, और ना ही झूठा बचा पूरी पराठा उस पर रखकर गर्म करना चाहिए। इससे भी हमारी बरकत खराब होती है, क्योंकि मंदिर के बाद रसोई घर का सबसे पवित्र स्थान है, माँ अन्नपूर्णा का निवास स्थान है। और तवा चिमटा चकला बेलन परात इन सब की सहायता से हम अपना भोजन तैयार करते हैं और माँ को भोग लगाते हैं, और उस पर भोजन पकाकर हम गाय को खिलाते हैं, प्रभु को भोग लगाते हैं, तो वहां हम झूठा कैसे रख सकते हैं, उन्हें झूठा कैसे कर सकते हैं। बल्कि हमें अपना तवा चिमटा चकला बेलन और परात अलग से रखने चाहिए, सिंक में सारे बर्तनों के साथ नहीं डालने चाहिए, इन्हें अलग से ही साफ करना चाहिए। दोस्तों, तवे और कढ़ाई को साफ करने के बाद उल्टा रखा ना छोड़े, क्योंकि ये भी हमारे जीवन में बहुत अशुभ प्रभाव देता है। बल्कि उन्हें सीधा करके रखे और रसोई की दक्षिण या पश्चिम की साइड इस तरह से रखे कि हर किसी की नजर उस पर ना जाती हो। दोस्तों, अगर आपके तवे का हैंडल टूटा है तो ये भी आपके नेगेटिव शनि की निशानी है, यानी शनि अब अपना नेगेटिव प्रभाव देने लगेगा। एक और खास बात, आजकल लोग रोटियां गिन गिन कर बनाते हैं, ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसीलिए आप एक आध रोटी ज्यादा बनाए, रात को अपने रोटी के टिफिन को खाली ना छोड़े, क्योंकि मान्यता है कि माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा रात को हमारे घर में जरूर आती हैं और हमारी रसोई घर में जरूर जाती हैं। वहां अगर उन्हें खाली टिफिन मिले या फिर तवा चिमटा परात वगैरह अच्छे से व्यवस्थित ना रखा हो तो माँ नाराज हो जाती हैं, क्योंकि हमारी रसोई घर माँ अन्नपूर्णा का स्थान है। अब जब हमारी रसोई साफ सुथरी होती है, व्यवस्थित होती है, तो माँ प्रसन्न होती है और वहां रहने वालों को सुख समृद्धि और दीर्घ आयु का आशीर्वाद देती है। हमें अपने घर में धन की बरकत के लिए अपना यूज किया तवा या फिर नया तवा चिमटा किसी साधु या फकीर को दे देना चाहिए। इससे भी हमारे घर में धन की बरकत बनी रहती है, शनि के पॉजिटिव फल हमारे जीवन में मिलने लगते हैं।
हमें तवे को कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। जिस तवे पर हम रोटी बनाते हैं, जो रोटी खाकर हम बलवान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, ना वो रोटी साधारण है और ना वो तवा साधारण है। इनका हमारे जीवन में विशेष स्थान है, इन्हें विशेष सम्मान भी हमें देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसके लिए मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी।